नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। तो जी हां, सभी सेविका बहनों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट आ चुकी है 19.0.1। तो इस अपडेट के आने के बाद जो आप लोगों की एक समस्या चल रही थी पोषण ट्रैकर ऐप में, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि हम डेली ट्रैकिंग वाले पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो THR वाला ऑप्शन है जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन हो रही थी कि जो भी लाभार्थी हैं उनको हम लोग THR कितने दिनों के लिए दें, 7 दिन के लिए दें या 15 दिन के लिए दें। तो इस प्रकार की जो समस्याएँ बनी हुई थी उस समस्या को आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप लोगों की ये समस्या ठीक होगी और ये समस्या किस प्रकार से आ रही थी। यहाँ पे सबसे पहले हम THR वाले ऑप्शन पे गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे THR वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 7 दिन और 15 दिन का ही आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल रहा था। तो जिसमें कि कई सारी सेविका बहन कमेंट करके पूछ रही थी कि हम लोग 25 दिनों के लिए जो THR देते हैं उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे इसको भरेंगे। तो देखिए, कई सारे वीडियोस में कई लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो THR का ऑप्शन इस प्रकार से दिखा रहा है तो आप यहाँ पे 7 दिन का जो ऑप्शन है उसको 3 बार दे दीजिए, या फिर यहाँ पे जो 15 दिन का ऑप्शन दिखा रहा है तो आप एक दिन 15 दिन कर दीजिए, फिर दूसरे दिन 15 दिन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बोला था कि ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही इस समस्या के बारे में विभाग को मालूम चलेगी तो बहुत जल्द ही एक नई अपडेट आएगी जिसमें कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो देखिए, उसी के रिकॉर्डिंग आज की ये वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आप सभी को अपने चैनल पे जो भी रियलिटी होती है, जो भी सही जानकारी होती है वही आप लोगों को बताते हैं। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि इस चैनल पे आप लोगों को सही जानकारी दी जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मोर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पर संस्करण 19.0 है, यानी कि ये जो अपडेट है वो 19.0 का पिछला ही अपडेट है। अब आपको नया अपडेट कैसे करना है तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद हम यहाँ पर सीधे प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का एक न्यू अपडेट आ चुका है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू में आप लोगों को देखने को मिलेगा एडेड 25 डेज ऑप्शन इन THR। जैसा कि आप लोगों को इसी का इंतज़ार था कि हम लोग हर लाभार्थी को 25 दिनों के लिए THR देते हैं, जो कि उस अपडेट में 25 दिनों की जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रही थी। तो अब आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, अब आपका यहाँ पे 100% THR कंप्लीट हो जाएगा। 25 दिनों का जो ऑप्शन है वो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में आ चुका है। तो चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम आपको दिखाएँगे किस प्रकार से वहाँ पर 25 दिनों की संख्या भरनी है, ठीक है। तो आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके इसको लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी पहुंचे। और देखिए, हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि जो ये अपडेट है वो 19.0.1 का अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम डेली ट्रैकिंग वाले पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग 19.0 से ही देख रहे हैं, जो डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन है उसी में THR का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गर्भवती महिला वाली कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम THR वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 25 दिनों की संख्या है वो अब आपको यहाँ पर दिखने लगी है। देख सकते हैं यहाँ पर 25 दिनों की संख्या यहाँ पर आ चुकी है। अब आप लोग यहां पे किसी भी लाभार्थी का जो THR है वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पे मैं बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद यहां पे स्तनपान कराने वाली महिला की कैटेगरी भी ओपन करेंगे। इसमें भी आप लोग देख पाएंगे कि जो 25 दिनों की संख्या है वो अब आपको यहां पे दिखने लगी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर जो ACM वाला ऑप्शन है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो THR वाला ऑप्शन है सिर्फ हम लोग को इसी से मतलब है और हम लोग 25 दिनों की यहाँ पर संख्या डालेंगे और यहाँ पर सुरक्षित कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सबमिट कर लीजिएगा जिनके यहाँ भी THR वितरण हो चुका है, ठीक है। हमारे यहाँ भी THR वितरण नहीं हुआ है इसलिए हम आपको सबमिट करके नहीं दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे 19.0.1 में जो ऑप्शन है THR ACM भरने का वो ऑप्शन अब यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर करें।
तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।